उदयपुर के सूरजपाल थाना को रविवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे बाद ही चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चुराया गया सोना, डायमंड और लाखों रुपए की नकदी बरामद कर ली है। शहर के बापू बाजार स्थित सिल्वर एम्पोरियम में शनिवार को चोर शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। घटना में शामिल आरोपी संस्थान का ही कर्मचारी निकला। एएसपी हर्ष रत्नू ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी देवेंद्र सभी की नजरों से बचते हुए रात को सिल्वर एम्पोरियम में ही छिप गया था। उसके बाद उसने आराम से वहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उसके पास जो चाबी थी उससे ताला खोलकर वह वहां से निकल गया और घटना की जांच के दौरान पुलिस को इस मामले में किसी परिचित के शामिल होने का अंदेशा हुआ। पुलिस ने वहां कर्मचारियों से पूछताछ की तो देवेंद्र पर शक हुआ। देवेंद्र से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार दिल्ली निवासी आरोपी देवेंद्र करीब 9 महीने से यहां काम कर रहा था। पुलिस ने देवेंद्र की निशानदेही पर चुराए गए करीब 2 किलो सोने के जेवर, 50 लाख रुपए कीमत के डायमंड और 8,40,000 रुपए बरामद कर लिए हैं।